Today's topic is about collective noun, a group of common noun which is given a new name that is called collective noun. अर्थात common noun के group से यदि एक नया नाम आए तो उसे हम collective noun कहते हैं. इसे हम समझते हैं example के through. For example, members. तो members को मिलाने से क्या बनती है? Family. तो family यहाँ पर क्या है? Members का group है, यानी common noun का group है, और फिर हमने यहाँ पर बनाई family. तो family यहाँ पर क्या हो सकती है? A family. और फैमिली अगर एक से ज्यादा क्या हो सकता है? फैमिलीज. वैसे ही बहुत सारे प्लेयर्स को मिलाने से क्या बनती है? एक टीम. यानी टीम एक हो है तो वहां पर हम कहेंगे ए टीम, और टीम अगर एक से ज्यादा है तो वहां पर हम कहेंगे टीम्स. वैसे स्टूडेंट्स को मिलाने से क्या बनती है? क्लास. वैसे सोल्जर्स को मिलाने से क्या बनती है? आर्मी. यानी कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन का एक ग्रुप जिसे हम एक नया नाम दे रहे हैं या नया नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. कलेक्टिव नाउन में भी हमें दो रूल्स माइंड में रखने हैं. पहला कि कलेक्टिव नाउन अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हम आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे अ फैमिली, ए टीम, ए क्लास. और अगर कलेक्टिव नाउन को अगर मैं प्लूरल बनाना हो, बहुवचन बनाना हो, तो उसमें हम एस या ई एस एड करके उसका प्लूरल बना सकते हैं, जैसे टीम का टीम्स, फैमिली का फैमिलीज, और क्लास का क्लासेस. आई होप आपको ये समझ आया होगा कलेक्टिव नाउन कि कॉमन नाउन के ग्रुप से एक नया नाम आए तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा.